प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तहत इकाई 3 में आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो पार्ट सेकंड है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछले अक्टूबर के थर्ड वीक में आपने देखा था। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि विद्यार्थी या तो परीक्षा के फॉर्म भरने में व्यस्त हैं, परीक्षाओं के कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की डेट्स भी आ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से आप सब लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पर चूंकि वर्चुअल क्लास के माध्यम से भी आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो चर्चा होना है उसी के तहत हमने इसका जो सेकंड पार्ट आज लिया है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अंशों के मूल्यांकन की कुल जो विधियां हैं उन विधियों में जो शुद्ध संपत्ति विधि है, नेट असेट्स मेथड है, इस मेथड्स पर हमने पिछले दिनों में विस्तार से चर्चा की है। और न केवल हमने पद्धति को समझा है बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी कि किस प्रकार से हम शुद्ध संपत्ति विधि के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सेकंड जो इसका मेथड है, आय मूल्यांकन विधि। इस पर आज हमारा पूरा फोकस रहेगा और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि जब हम दोनों पद्धति पढ़ लेंगे, शुद्ध संपत्ति मेथड, नेट असेट्स मेथड, आय मूल्यांकन विधि, इनकम वैल्यूएशन मेथड, तो निश्चित रूप से जो आपका थर्ड मेथड है, फेयर वैल्यूएशन मेथड, वो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब आप देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि मान लीजिए आपको शुद्ध संपत्ति विधि से अंशों का मूल्यांकन करना है, तो इस विधि का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब सवाल में आपको संपत्तियों और दायित्वों के बारे में विवरण दिया हुआ हो। यदि संपत्तियों और दायित्वों के बारे में डिटेल्स नहीं है तो निश्चित रूप से हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। जो आपका सेकंड मेथड है आय मूल्यांकन विधि, इस विधि में अगर संपत्ति की सूचना नहीं है तो भी हम इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमें लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी होना आवश्यक होता है। तो अगर आपको लाभों के संबंध में यदि सवाल में कुछ हिंट्स दे रखी हो तो निश्चित रूप से इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो आपका उचित मूल्यांकन विधि है, फेयर वैल्यूएशन मेथड है, इस मेथड में हमें संपत्तियों के साथ साथ लाभांश की दर या अर्जित आय की दर की भी आवश्यकता होती है, और इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए ही हम उचित मूल्यांकन विधि के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखिए, आप आय मूल्यांकन विधि के तहत हम दो तरीकों से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला है आपका डिविडेंड की दर के आधार पर, और सेकंड है आपका अर्जित आय की दर के आधार, मतलब बेस ऑन रेट ऑफ डिविडेंड है वो, और बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग है। इन दो पद्धतियों के माध्यम से हम आय मूल्यांकन विधि के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो आपका मेथड है सेकंड नंबर का आय मूल्यांकन विधि, इसमें फर्स्ट देखिए आप लाभांश आय आधार, देखिए इसमें शब्द थोड़ा सा कट रहा है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। मैं जहां जहां भी इस टाइप की प्रॉब्लम हूं मैं आपको बताऊंगा। लाभांश आय आधार, यदि मुझे डिविडेंड रेट के आधार पर अंशों का मूल्यांकन करना है तो क्या करना पड़ेगा। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि को आय के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। इस विधि में आपको अंशों का मूल्य निकालने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक आय की सामान्य दर और दूसरी लाभांश की दर है। जनरली आय की सामान्य दर आपको सवाल में दी हुई होती है। आय की सामान्य दर का आशय उस दर से है जो उसी प्रकार के उत्पाद करने वाली कंपनियों को सामान्यतः आय अर्जित होती है, उसे हम आय की सामान्य दर कहते हैं। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको जनरली सवाल में दी होती है, किसी प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई कंपनियों की आय की सामान्य दर ये है। तो आय की सामान्य दर तो आपको दी होगी, किंतु हमें लाभांश की दर ज्ञात करना होगी। अब देखिए, लाभांश की दर किस प्रकार से ज्ञात होती है या लाभांश की दर हम कहते हैं किसे हैं? तो पहले देखिए आप, लाभांश की दर का आशय उस दर से होता है जिस दर से कंपनी लाभांश की घोषणा करती है। सामान्यतः लाभांश की दर सवाल में दी हो सकती है, परंतु जब हमें इसी मेथड से अंशों का मूल्यांकन करना है तो डेफिनेटली हमें लाभांश की दर भी ज्ञात करना होगी। और लाभांश की दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप उस चीज को आप पहले देखें कि लाभांश की दर निकालने के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध लाभ की आवश्यकता होती है। शुद्ध लाभ सवाल में दिया होगा आपको, उस शुद्ध लाभ में से हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होंगे। अगर वो एडजस्टमेंट पहले से किए हुए हैं, यदि आपको सवाल में लिखा है कि सवाल में दिया गया शुद्ध लाभ या कंपनी का दिया गया शुद्ध लाभ सभी समायोजनों को करने के बाद का है, तो हमें किसी प्रकार के एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यदि आपको सारे एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जाए या ये एडजस्टमेंट लाभ में से नहीं हुए हैं, तो आपको इन एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुद्ध लाभ जो आपको सवाल में दिया, शुद्ध लाभ में से इनकम टैक्स यदि माइनस नहीं हुआ तो वो कर हम माइनस करेंगे।
कर माइनस करने के बाद यदि आपको सवाल में लिखा हो कि कंपनी 2% 5% या 10% किसी फंड में सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करती है, तो हम सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि कंपनी में पूर्वाधिकार अंश भी है तो उनका जो लाभांश है वो लाभांश भी हम माइनस करेंगे। यदि मान लीजिए पूर्वाधिकार अंशधारियों का पहले से कोई अवशिष्ट लाभांश भी है जिसका भुगतान नहीं हुआ है तो वो भी हम उसे माइनस करेंगे। और इन सबको माइनस करने के बाद जो लाभ आता है उसका प्रयोग हम सामान्यतः लाभांश की दर की गणना करने के लिए करते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि यदि सवाल में आपको एक हिंट दे रखी है कि कंपनी ने पूर्व के वर्षों में जो संचय और कोष बनाया है ये आवश्यकता से बहुत अधिक है, तो आपको सवाल में एक हिंट दी हो सकती है कि संचय को इतना कम किया जाना है। तो अगर आपको सवाल में लिखा है कि संचय को या कोष आवश्यकता से अधिक है तो जितना भाग संचालकों ने आवश्यकता से अधिक माना है उस संचय या लाभांश को भी, उस संचय या कोष को भी हम लाभ में जोड़ देंगे। इस प्रकार जो लाभ प्राप्त होगा उसके आधार पर फिर हम लाभांश की दर की गणना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर से एक बार मैं जा रहा हूं, सबसे पहले हम शुद्ध लाभ देखेंगे। शुद्ध लाभ में से हम कुछ समायोजन करेंगे जिसके बारे में हिंट दिया होगा। यदि आपको लिखा है कि कर भी माइनस करना है तो टैक्स माइनस होगा, संचय में यदि ट्रांसफर करना है पैसा संचय में हम ट्रांसफर करेंगे, पूर्वाधिकार अंशधारी को अगर लाभांश का भुगतान करना है वो हम पेमेंट करेंगे, यदि उनका कोई एरियर है उसका पेमेंट हम उसमें से माइनस कर देंगे। और इसके साथ साथ यदि आपको ये दिया है कि कंपनी का संचय कोष आवश्यकता से अधिक है तो जितना कोष या संचय आवश्यकता से अधिक बनाया गया हो उसे हम इसमें प्लस कर देंगे और इस लाभ का प्रयोग हम लाभांश की दर निकालने के लिए करेंगे। अब जब आपने ये लाभ निकाल लिया तो फिर हम लाभांश की दर की गणना करेंगे। जो आपने लाभ निकाला ये लाभ की राशि इंटू 100 अपान चूकता समता अंश पूंजी, जो टोटल पेडअप कैपिटल है इससे हम इसको भाग लगा देंगे तो ये आपके लाभांश की दर ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने किस बात की गणना की, लाभांश की दर की गणना की। अब इसके बाद हमें एक अंश की कीमत निकालना है, तो लाभांश की दर की गणना हो जाने के बाद फिर हमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे, उस फार्मूले के माध्यम से हम एक अंश की कीमत ज्ञात कर लेंगे। तो करना क्या है आपको, जो आपने लाभांश की दर पूर्व सूत्र से ज्ञात की है इस लाभांश की दर में एक अंश पर जो चूकता राशि होगी उसका गुणा कर देंगे और जो इनकम की नॉर्मल रेट जो सवाल में दी होगी उसे इसे भाग लगा देंगे, तो इस प्रकार हमारी लाभांश की दर ज्ञात होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, हमें लाभांश की दर की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें उपलब्ध लाभ निकालना होगा जो समता अंशधारी या पूर्वाधिकार अंशधारी जिसका भी हमें मूल्यांकन करना है उसके लिए लाभ उपलब्ध होगा। सबसे पहले हम उपलब्ध लाभ निकालेंगे और उपलब्ध लाभ निकालने के बाद हम लाभांश की दर की गणना करेंगे और लाभांश की दर की गणना करने के बाद हम एक अंश की कीमत ज्ञात करेंगे। अब यदि सवाल में आपको पहले से लाभांश की कई दर दी हुई हो तो हम उन दरों का औसत निकाल कर भी हम एक लाभांश की दर ज्ञात कर सकते हैं। अगर सवाल में इस प्रकार की हिंट है कि आपको 3-4 वर्षों की लाभांश की दर दी हुई हो तो उसका एवरेज निकाल कर भी हम लाभांश की दर की गणना कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था कि लाभांश की दर के माध्यम से हम किस प्रकार से गणना करेंगे। इसी में एक सेकंड मेथड और है जिसको हम बोलते हैं अर्निंग मेथड। अर्निंग मेथड के अंतर्गत अभी आपने कुछ दिनों पहले ख्याति के मूल्यांकन का टॉपिक भी दो वर्चुअल क्लास आपकी उसके लिए हुई थी, उसमें हमने नियोजित पूंजी की गणना की थी। तो अर्जित आय विधि के अंतर्गत भी हमें नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी। यदि आपको लिखा है कि अर्जित आय के आधार पर गणना कीजिए तो अब यहाँ पर फर्क यह है कि आपने देखा होगा ख्याति के मूल्यांकन के लिए जब हम नियोजित पूंजी की गणना करते हैं तो हम ख्याति की राशि को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि हम ख्याति के लिए ही ख्याति की गणना कर रहे थे। चूंकि हमें अंशों का मूल्यांकन करना है और यदि अंशों का मूल्यांकन करने के पहले यदि आपको यह कहा गया हो कि पहले ख्याति का मूल्यांकन कीजिए तो हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे और ख्याति का मूल्यांकन जो आपका नया मूल्यांकन आएगा उस मूल्य को भी नियोजित पूंजी में प्लस करेंगे, उसके बाद ही आपकी जो नियोजित पूंजी होगी उसका प्रयोग हम करेंगे। वो नियोजित पूंजी को निकालने का तरीका जो आपने ख्याति के मूल्यांकन में देखा है कि सभी संपत्तियां कृत्रिम को छोड़कर यदि किसी की मार्केट वैल्यू दी हो तो उन्हें हम जोड़ लेंगे और उसमें से सारे दायित्वों को माइनस कर देंगे जो बाहरी है। अगर हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया तो वो आपकी कहलाएगी नियोजित पूंजी। तो सबसे पहले हमें इस पद्धति के अंतर्गत नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अंशों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अर्जित आय का आशय उस आय से जो लाभ में से कर पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश ऋण पत्रों का ब्याज संचय में ट्रांसफर को घटाने के बाद प्राप्त हो, मतलब यहाँ पर भी हमें उपलब्ध लाभ की गणना करना पड़ेगी। तो उपलब्ध लाभ की गणना करने का तरीका वही है जो हमने पीछे देखा था। और ये सब करने के बाद जब आपका
आपने नियोजित पूंजी की भी गणना कर ली है, तो नियोजित पूंजी की गणना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फार्मूले के माध्यम से पहले अर्जित आय की दर ज्ञात करेंगे। तो अर्जित आय की दर को ज्ञात करने का फार्मूला है उपलब्ध लाभ या अर्जित आय जो हमने ज्ञात की है उसमें 100 का गुणा करके हम नियोजित पूंजी से भाग लगाएंगे। आपने देखा होगा पिछले मेथड में हमने क्या किया है कि लाभांश की दर निकालने के लिए हमने उपलब्ध लाभ इंटू 100 अपान किया था टोटल चुकता समता पूंजी या पूर्वाधिकार पूंजी जिसका भी हमें मूल्यांकन करना हो। अर्जित आय मेथड के अंतर्गत हमें अर्जित आय इंटू 100 अपान नियोजित पूंजी करना है। और नियोजित पूंजी कैसे निकालना है फिर से आप स्क्रीन पे देखिए, नियोजित पूंजी हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने ख्याति के मूल्यांकन में गणना की थी कि हम जितनी भी आपकी संपत्तियां दे रखी है वास्तविक संपत्तियां उनका जो वास्तविक मूल्य दे रखा है, यदि किसी का नया मूल्य देखा तो वो मूल्य उसको हम प्लस करेंगे और उस प्लस में से जितने भी बाहरी दायित्व हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे, इसके बाद जो शेष बचेगा उसे हम नियोजित पूंजी कहेंगे। तो देखिए आप अर्जित आय मेथड से यदि आपको हल करने के लिए कहा जाए, अर्जित आय आधार पर अगर हमें गणना करना है तो हमें नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी, किंतु यदि हमें लाभांश की दर के आधार पर यदि गणना करना है तो इस पद्धति के अंतर्गत हमें नियोजित पूंजी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक मोटा बड़ा फर्क है, इस फर्क को हम समझना आवश्यक है। जब हम दोनों चीजों की गणना कर लेंगे तो देखिए आप अर्जित आय की दर ज्ञात करने का फॉर्मूला बड़ा आसान है, उपलब्ध लाभ या अर्जित आय इंटू 100 अपान नियोजित पूंजी कर देंगे तो इससे आपकी अर्निंग रेट निकल जाएगी। इसके बाद यदि हमें एक अंश की कीमत को ज्ञात करना है तो अर्जित आय की दर इंटू अंश पर चुकता राशि, अगर हम समता का मूल्यांकन करेंगे तो समता की चुकता राशि और पूर्वाधिकार करेंगे तो पूर्वाधिकार की चुकता राशि और अपान में कर देंगे आय की सामान्य दर। तो यहाँ पर आप देखिए हमने पिछले मेथड में मतलब उस वाले मेथड में लाभांश की दर की गणना की है और यहाँ पर हमने अर्जित आय की सामान्य दर तो सवाल में दी भी होगी। मैंने आपको बताया था कि आय की सामान्य दर वह दर होती है जो उसी प्रकार की उत्पाद में लगी हुई कंपनियों में सामान्यतः अर्जित करने की संभावना हो। तो इस प्रकार से हम दोनों पद्धति में आपको आय की सामान्य दर का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो अब आप देखिए इस पद्धति के अंतर्गत हमें ज्ञात करने के लिए आय मूल्यांकन विधि के अंतर्गत हमारे पास दो तरीके हैं, हम लाभांश आय आधार का प्रयोग भी कर सकते हैं और अर्जित आय आधार का प्रयोग भी कर सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि अर्जित आय आधार का प्रयोग करने के लिए हमें नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी, मतलब बगैर संपत्ति और दायित्व की जानकारी के हम अर्जित आय आधार पर अंशों का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। किंतु यदि केवल लाभांश की लाभ की राशि आपको दी हो और आपको नियोजित पूंजी नहीं बताई हो तो उस कंडीशन में हम लाभांश आय आधार पर एक अंश का मूल्यांकन कर सकते हैं, चाहे आपसे समता का किया जाना हो या पूर्वाधिकार अंश का किया जाना हो, हम दोनों ही प्रकार के अंशों का मूल्यांकन इस पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा कि यदि हमें समता अंशों का मूल्यांकन करना है तो निश्चित रूप से हमें वह लाभ निकालना पड़ेगा जो समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध है, और यदि पूर्वाधिकार अंशों का मूल्यांकन करना है तो हमें वह लाभ ज्ञात करना पड़ेगा जो पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए उपलब्ध होगा। तो आप जब भी कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि आपको किस प्रकार के अंश के मूल्यांकन के बारे में कहा गया है। यदि दोनों प्रकार के मूल्यांकन के बारे में कहा गया हो तो दोनों प्रकार के अंशधारियों के लिए हमें उपलब्ध लाभ की गणना करना पड़ेगी। आगे मैं जो आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम इसी प्रकार की है जिसमें हमने दोनों चीजों का समावेश किया है कि यदि दोनों प्रकार के अंशों के मूल्यांकन के लिए यदि हमसे कहा जाए तो हम इस पद्धति का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से हम अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक सवाल देखिएगा, ये सवाल यदि आप नोट करेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये वो सवाल है जिसमें करीब करीब मैंने सभी एडजस्टमेंट लेने की कोशिश की है कि जितने समायोजन लाभ में से हो सकते हैं हम सभी समायोजन इस सवाल के माध्यम से देख लें। देखिए आप बड़े संक्षेप में सवाल को नोट करें कि एक कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 100 रुपए प्रति अंश के हिसाब से है जिसमें 2005% पूर्वाधिकार अंश है और 100 रुपए वाले 4000 आपके समता अंश है। मतलब देखिए 100 रुपए का एक पूर्वाधिकार अंश है और 100 रुपए का एक समता अंश है, फर्क केवल इतना है कि समता अंश 2000 है और पूर्वाधिकार अंश आपके 4000 है और ये फुल्ली पेड अप है, मतलब पूरा का पूरा पैसा इन अंशों पर हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए अगली बात क्या दे रखी है कि 5% के एक निश्चित लाभांश के अतिरिक्त, मतलब 5% का तो हमें निश्चित लाभांश किसको देना है, पूर्वाधिकार को देना है, 5% का एक निश्चित लाभांश के अतिरिक्त पूर्वाधिकार अंशधारी समता अंशों पर 10% के लाभांश के भुगतान के बाद
बचे हुए लाभ में से भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और वो हिस्सा आपका होगा 3%। मतलब देखिए ये सेकंड नंबर का पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि 5% तो हमें पूर्वाधिकारियों को लाभांश देना है, इसके बाद 10% हम देंगे संतानधारियों को लाभांश, इसके बाद जो लाभ बचेगा इस लाभ में भी 3% पुनः पूर्वाधिकार अंशधारी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और जो शेष लाभ बचेगा उसी लाभ पर समता अंशधारियों का अधिकार होगा। मतलब सीधी सी बात है कि पहले हम पेडअप कैपिटल पर 5% पूर्वाधिकार का लाभांश देंगे लाभ में से, जो शेष बचेगा जो समता पूंजी है उस पेडअप कैपिटल का 10% हम समता अंशधारी का लाभांश देंगे, इसके बाद जो लाभ बचेगा सामान्यतः वो लाभ समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध कहलाता है, किंतु सवाल में आपको हिंस दे रखिए कि इस लाभ में से भी 3% हिस्सा और आपको पूर्वाधिकार अंशधारियों को देना है, तो जो शेष लाभ बचेगा इस पे हम 3% फिर से पेडअप कैपिटल पर पूर्वाधिकार पर लाभांश निकालेंगे और उस लाभ में से माइनस करेंगे और जो शेष बचेगा वो आपका समता अंशधारियों का लाभ होगा। तो देखिए आपको लाभ की गणना दो तरीकों से, दो पार्ट में आपको करना पड़ेगी कि पहले समता अंशधारी का लाभ कितना होगा और पूर्वाधिकार अंशधारी का लाभ कितना होगा, क्योंकि आपको सवाल में दोनों प्रकार के वर्गों के अंशों का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये तो हिंट हो गई आपको कि कितनी हमारी पेडअप कैपिटल है और लाभ में से कितना किसको हिस्सा मिलेगा। अब देखिए थर्ड हिंट जो सवाल की है, बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट से भी कि ह्रास और करारोपण का आयोजन करने के पश्चात, मतलब हमने संपत्ति पर ह्रास का आयोजन भी कर लिया है, टैक्स वगैरह का पेमेंट भी हमने कर दिया है और इसके बाद आपका जो एनुअल जो आपका औसत जो लाभ है वो आपका 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष है, मतलब 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है और कंपनी ने यह तय किया है कि प्रति वर्ष जो लाभ प्राप्त होगा इसमें से 4,000 रुपए आपको सामान्य संचय में ट्रांसफर करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको शुद्ध लाभ दिया है तो उसमें से कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है, ह्रास भी निकाल के दिया हुआ है और टैक्स भी आपका निकाल के दिया है, ये दोनों चीज आपकी निकाल के दी हुई है, मतलब ये दो एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है, किंतु एक एडजस्टमेंट ऐसा दिया हुआ है जो आपको करना होगा और वो एडजस्टमेंट है कि 4,000 रुपए आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ का एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट करने के बाद जो लाभ प्राप्त होगा उसी लाभ का प्रयोग हम ऊपर का जो पॉइंट नंबर 2 है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। और आगे आपको लिखा है कि पूर्वाधिकार अंशों पर आय की सामान्य दर आपकी 7% है और समता अंशों पर आय की जो नॉर्मल रेट है वो आपकी 10% है और आपको दोनों प्रकार के अंशों के मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। तो आप देखिए सवाल को एक बार फिर से, मैं देख रहा हूँ कुछ विद्यार्थी किसी और काम में फॉर्म वॉर्म के भरने में लगे हुए हैं, इनसे मेरा अनुरोध है, नेपा नगर मुझे कॉलेज नजर आ रहा है, कृपया आप ध्यान अपना स्क्रीन पे रखें, बाकी कार्यवाही आप बाद में पूरी कर लीजिएगा, पहले आप सवाल को देख लीजिएगा समझ लीजिएगा, क्योंकि यदि आप सवाल को यदि नहीं समझेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। और देखिए ये वो सवाल है जिस सवाल में मैक्सिमम चीज आपकी कवर हो रही है कि कितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं, वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट मैं आपको आज के 2 सवाल में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए फिर से एक बार सवाल को हम समराइज कर लें, दोनों प्रकार के अंश हैं, इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, दोनों का पेडअप वैल्यू आपको दे रखी है, दोनों पे आपको आय की सामान्य दर भी दी हुई है कि एक पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका समता अंश पूर्वाधिकार अंश पर 7% है और समता अंशों पर 10% है और आपको जो लाभ दिया है उस लाभ में से आपको 2 समायोजन ह्रास और टैक्स का आयोजन तो हो चुका है किंतु आपको 4,000 रुपए नॉर्मल जो आपका जनरल रिजर्व है उसमें आपको ट्रांसफर करना है। तो ये तो लाभ का एडजस्टमेंट हो गया और उससे भी जो बड़ी बात है वो बड़ी बात आपकी ये कि जो आपका लाभ आएगा एडजस्टमेंट के बाद उस लाभ में से हमें पूर्वाधिकार अंशधारियों को निर्धारित प्रतिशत से हिस्सा देना है, समता अंशधारियों को भी निर्धारित प्रतिशत से हिस्सा देना है, 5% पूर्वाधिकार को देना है, 10% इक्विटी को देना है और इसके बाद जो लाभ बचेगा इस लाभ में से हमें 3% पुनः पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक्सेस प्रॉफिट में से हिस्सा देना है और जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा वो पूरा का पूरा आपका समता अंशधारियों के लिए प्रयुक्त होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि समता अंशधारियों को भी लेकिन 2 लाभ हो गए, 10% नॉर्मल हो गया और जो बचा हुआ लाभ है बचा हुआ पूरा उनके लिए यूज होगा और पूर्वाधिकार अंशधारी के लिए 5% आपका फिक्स्ड हो गया और इसके बाद जो लाभ का बचा है तो 3% हमें फिर से और देना है। इस प्रकार कुल मिला के 8% आपका हो जाएगा पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए और समता अंशधारियों के लिए 10% प्लस 5 और 3% पूर्वाधिकार
को देने के बाद जो बचेगा वो पूरा का पूरा आपका संपत्ति अधिकारियों के उसमें रहेगा। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरा है। अब आप देखिए बहुत आसान आपका सवाल हो गया। अगर आपने सवाल को ठीक प्रकार से समझ लिया, अगर उसकी प्रक्रिया अगर आपने समझ लिए, तो सवाल को सॉल्व करने में बहुत अधिक समय अब आपका नहीं होगा। अब आप देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीन का आप देखिए, आपको एवरेज प्रॉफिट बताया गया था 1 लाख। देखिए फिर से आप देखिए 1 लाख रुपए का आपको लाभ दिया है, इसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। केवल आपको एक एडजस्टमेंट करना है और वो आपका जनरल रिजर्व में आपको 4000 रुपए ट्रांसफर करना है। देखिए 4000 रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपने 4000 कर दिया, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट आपका बचा वो 96000 है, 96000 है। अब ये जो 96000 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पर दोनों का अधिकार है। क्यों दोनों का अधिकार? क्योंकि सवाल में आप देखिए दोनों प्रकार के शेयर दे रखे हैं आपको, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर को कितना लाभ देना है आपको, 5% आपको पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देना है। अब देखिए पूर्वाधिकार अंश पूंजी कितनी है, एक शेयर है 100 रुपए का और टोटल शेयर आपके 2000 है। इसका मतलब आपकी पूर्वाधिकार पेड अप कैपिटल होगी 2 लाख रुपए। तो आप देखिए 2 लाख का 5% हम पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देंगे। जो पेड अप कैपिटल पूर्वाधिकार अंशधारी का है उस पर हमें 5% उन्हें डिविडेंड देना है। तो 2 लाख का 5% आपका हो गया 10000 रुपए। 10000 रुपए हमने माइनस कर दिया तो 86000 बचा है वह लाभांश जो पूर्वाधिकार अंशधारी को 5% देने के बाद है। अब आप फिर से सवाल की ओर जाइए। सवाल में फिर आपको लिखा है समता अंशधारी को देना है 10%। अब देखिए समता अंश पूंजी कितनी दे रखी है, समता अंश पूंजी है 100 रुपए का एक शेयर है और टोटल शेयर आपके हैं 4000। इसका मतलब स्पष्ट है कि समता हमारी जो पेड अप कैपिटल आपकी हो जाएगी 4 लाख की, तो 4 लाख का 10%। ये देखिए आप 4 लाख का 10%, ये हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, ये 40000 आपका हो गया। अब रिमेनिंग बचा आपका 46000 रुपए। देखिए अगर सवाल में कोई निर्देश यदि नहीं होता तो सीधी सी बात है कि 96000 में से 10000 रुपए पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद जो 86000 बचता, ये पूरा का पूरा समता अंशधारियों के लिए प्रयुक्त होता। किंतु सवाल में विपरीत निर्देश है, सवाल में आपको निर्देश दिया है कि यदि एक्सेस लाभ बचता है 5% पूर्वाधिकार और 10% समता अंशधारियों को देने के बाद भी यदि कोई लाभ बचता है तो 3% हमें फिर से पूर्वाधिकार अंशधारियों को देना है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप देखिए जो लाभ आपका 46000 बचा है इसमें हमें 3% पूर्वाधिकार अंशधारियों को और देना है। 3% हम काय पे देंगे, उनकी पेड अप कैपिटल पर। पूर्वाधिकार की पेडअप कैपिटल कितनी, ऊपर देखिए आप 2 लाख रुपए, 2 लाख का 3% 6000 रुपए हमने और दे दिया पूर्वाधिकार अंशधारियों को। तो रिमेनिंग जो बचेगा ये आपका शेष जो लाभ बचेगा ये इक्विटी शेयर के लिए होगा। अब आप देखिए इसी स्लाइड पर, स्क्रीन पर आप देखिए टोटल आपका पूर्वाधिकार के लिए लाभ कितना हो गया। मैं अगली स्लाइड पर जाने के पहले आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को हमने 10% 5% के हिसाब से 10000 रुपए दिया और 3% हमने एक्सेस में से दिया, मतलब 6000 ये दिया। तो टोटल आपका पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ हो गया 10000 प्लस 6000, टोटल हो गया आपका 16000, 16000 रुपए। और समता अंशधारी के लिए आपका लाभ हो गया 40000 और नीचे फिर 40000 आपका रिमेनिंग बचा है, मतलब टोटल आपका हो गया 80000 रुपए। इसका मतलब स्पष्ट है कि समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ हो गया 80000 रुपए और पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए उपलब्ध आपका लाभ हो गया 16000 रुपए। नेक्स्ट पे आप जाइए, ये देखिए अब आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए टोटल लाभ आपका हो गया 16000 और इक्विटी के लिए नीचे आप देखिए टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 40 प्लस 40 80000 रुपए आपका हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमने उपलब्ध लाभ की गणना की कि समता अंशधारी के लिए उपलब्ध लाभ कितना है और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उपलब्ध लाभ कितना है। अब जब दोनों का हमने लाभ निकाल लिया है तो अब आप मान के चलिए आप चाहे तो दो पार्ट करके, हाफ हाफ पार्ट करके दोनों प्रकार के अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे एक अंश पर लाभांश की दर क्या होगी, यह हम उसकी गणना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, हमें निकालना है लाभांश की दर। अब लाभांश की दर निकालने का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मैं फिर पीछे की ओर जा रहा हूं। लाभांश की दर निकालने का फॉर्मूला आप देखिए, आपने क्या देखा है लाभांश की दर निकालने का फॉर्मूला, ये देखिए आप लाभांश की दर निकालने का फॉर्मूला आपका है, देखिए लाभांश की राशि इंटू 100 अपान चुकता समता अंश पूंजी। अब चुकता समता अंश पूंजी इसलिए लिखा है कि अगर समता की कीमत ज्ञात करना है तो समता अंश पूंजी का इस्तेमाल करेंगे और पूर्वाधिकार अंश पूंजी का अगर करना है तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देखिए सवाल पे आइए, आप देखिए लाभांश की राशि कितनी है जो हमने निकाली है,
पूर्वाधिकार अंसारी के लिए उपलब्ध लाभ आपका 16,000 रुपए। तो 16,000 × 100 अपान टोटल चुकता पूर्वाधिकार अंश पूंजी। टोटल पूर्वाधिकार अंश पूंजी कितनी है सवाल में आप देखिए, टोटल पूर्वाधिकार पूंजी आपकी चुकता है 100 रुपए का अंश है और 2,000 शेयर है, पूरा पेडअप है। 2,00,000 रुपए आपकी हो गई पूर्वाधिकार अंश पूंजी जो पेडअप है। तो देखिए आपने क्या किया, 16,000 उपलब्ध लाभ × 100 अपान टोटल चुकता पूर्वाधिकार अंश पूंजी, 16,000 × 100 अपॉन 2 लैक्स। ये करने से आपकी आ गई प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की रेट आपकी आ गई 8%, मतलब 8% आपकी हो गई रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब आपको निकालना एक शेयर की कीमत, एक पूर्वाधिकार अंश की कीमत निकालना है। तो देखिए फिर से मैं पीछे जा रहा हूँ, एक पूर्वाधिकार अंश की कीमत कैसे निकलेगी, मतलब जैसी क्षमता की वैसी पूर्वाधिकार की निकलेगी। हमने क्या किया, लाभांश की दर ज्ञात कर ली। अब लाभांश की दर ज्ञात करने के बाद हमें निकालना एक अंश की कीमत। तो एक अंश की कीमत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, लाभांश की दर इंटू अंश पर चुकता राशि। अंश पर चुकता का मतलब है पूर्वाधिकार की गणना करना तो पूर्वाधिकार की चुकता राशि, और समता की करना तो समता एक अंश की चुकता राशि, और आय की नॉर्मल दर। आय की समान दर का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो उसी प्रकार के व्यवसाय में कंपनियों को प्राप्त हो रही हो। अब यह आय की सामान्य दर का मतलब हो जाएगा, जब हम पूर्वाधिकार की बात करेंगे तो पूर्वाधिकार की आय की दर देखेंगे, और जब समता की बात आएगी तो समता की आय की दर देखेंगे। यहाँ आप ऐसा ना करें कि अगर दोनों की कॉमन एक ही दर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि दोनों की रेट आपकी अलग अलग दी हुई होगी तो हमें अलग अलग दर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब आप यहाँ देखेंगे सवाल में, देखिए आप अगर आप प्रॉब्लम में जाएंगे तो प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि दोनों प्रकार के शेयर के लिए आपकी नॉर्मल रेट अलग अलग दी हुई है। देखिए पूर्वाधिकार अंश पर नॉर्मल रेट है 7%, आप देखिए सवाल में स्क्रीन पर, और समता अंश पर आपकी नॉर्मल रेट है 10%। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं पूर्वाधिकार अंश की, तो पूर्वाधिकार अंश पर हमें 7% के हिसाब से गणना करना होगी। तो अब आप देखिए वैल्यू ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर, आपने रेट ऑफ डिविडेंड निकाला 8 × 100 क्यों किया, 100 सूत्र में नहीं है ध्यान रखिएगा, 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि एक पूर्वाधिकार अंश पर चुकता राशि 100 है। यदि पूर्वाधिकार अंश पर चुकता राशि 80 रुपए होती तो हम 80 से ही इंटू करते, ये आप ध्यान रखें। अब आप देखिए हमने किया है 8 × 100 अपान आई की नॉर्मल रेट आपकी होगी 7%, तो 114 रुपए 30 पैसे आपकी हो जाएगी एक पूर्वाधिकार अंश की कीमत लाभांश दर विधि के आधार पर। ये हो गई आपकी प्रेफरेंस की कीमत। अब हम आते हैं इक्विटी पर कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारी दर क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, समता अंश पर उपलब्ध लाभ कितना है, तो आपने देखा होगा सवाल में 40 हमने दिया है 10% के हिसाब से, और रिमेनिंग में जो उनका हिस्सा बचा था 40 और 40 ये आपका हो गया 80,000। 80,000 रुपए लिए आपका हो गया उपलब्ध लाभ समता अंशधारियों के लिए। अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। तो 80,000 × 100 अपान में हम करेंगे टोटल चुकता समता अंश पूंजी। अब आप देखिए टोटल चुकता समता अंश पूंजी कितनी है, सवाल की पहली लाइन आपकी बता रही है कि पूर्वाधिकार अंश 2,000 थे और एक अंश की कीमत 100 रुपए थी, पेडअप था 2,00,000 हो गए, और यहाँ पर आपका 100 रुपए का एक समता अंश भी है और इस पर पूरा पेडअप है 100 ही, पूरा दत्त है आपका, और 4,000 आपके शेयर है, तो ये आपकी हो जाएगी 4,00,000 रुपए। अब आप यहाँ देखिए हमने किया 80,000 × 100 अपान 4 लैक्स, 4 लैक्स का मतलब हो गया टोटल पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस प्रकार से आपकी रेट ऑफ डिविडेंड आ गई 20%। अब जाओ रेट ऑफ डिविडेंड आपकी 20% आ गई है, तो फिर हमें ज्ञात करना है एक समता अंश की कीमत, वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। हमने ऊपर देखा था, ऊपर हमारी दर थी 8%, नीचे हमारी रेट है 20%, तो 20 × 100 क्या है आपका, एक समता अंश पर चूकता राशि आपकी 100 है, तो 20 × 100 किया, और आय की सामान्य दर आप देखिए सवाल में, आय की सामान्य दर समता अंशों पर 10% है, 10% आपकी दर हो गई, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो 20 × 20 × 100 / 10, इस प्रकार आपका 200 रुपये हो गई एक समता अंश की कीमत। तो देखिए इस सवाल से आपको क्लियर हो गया कि हम सवाल में चाहे तो हम आपसे प्रॉब्लम में दोनों प्रकार के अंशों का मूल्य पूछ सकते हैं। जब दोनों प्रकार के अंश का मूल्य यदि आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपको ज्यादा सावधानी रखना ये पड़ेगी कि दोनों प्रकार के अंशों के लिए आपको अलग अलग उपलब्ध लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात,
दोनों प्रकार के अंशों पर आय की सामान्य दर एक समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो हम यहाँ इस चीज का ध्यान रखें कि जो इक्विटी के लिए दे रखा है उसका प्रयोग हम इक्विटी के समय करें, और जो प्रेफरेंस की दर दे रखी है उसका प्रयोग हम प्रेफरेंस के टाइम पर करें। यदि हमने इन चीजों को अगर ध्यान रख लिया तो सवाल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और आप मान के चलेंगे कि विद्यार्थी परीक्षा हाल में आने के बाद ये कभी चर्चा में बता दें, सर वो गलती ये हो गई कि मैंने जो आय की नॉर्मल रेट थी वो इक्विटी के बजाय प्रेफरेंस की देख ली, ये जो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब दोनों प्रकार के अंशों का मूल्यांकन अगर आपको करना हो तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यह हम दो पार्ट कर लें सवाल में ही कि हम लिख लें कि उपलब्ध लाभ पूर्वाधिकार के लिए, उपलब्ध लाभ समता के लिए, फिर हम लिखें समता पूर्वाधिकार के लिए आय की सामान्य दर, एक साइड लिख लें समता के लिए आय की सामान्य दर, फिर हम एक साइड लिख लें एक समतांश पर पूर्वाधिकार पर चुकता राशि कितनी है, एक साइड लिख लें एक समतांश पर चुकता राशि कितनी है। यदि हमने दो पार्ट करके यदि इस प्रकार से उन चीजों को पहले ही लिख लिया है तो आप मान के चलना कभी भी सवाल में हमसे चूक या गलती नहीं होगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर दोनों प्रकार के अंश का अगर मूल्यांकन हमें करना हो तो हम किस प्रकार से इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह था आपका सेकंड मेथड जिसके माध्यम से हम अंश का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में, ये जो सवाल है आपका, इसमें हमने सेकंड जो पार्ट है उसका प्रयोग इसलिए नहीं किया कि उसमें हमें नियोजित पूंजी की आवश्यकता होती है। आप स्वयं देखिए ब वाला जो पार्ट है इसका, इसमें नियोजित पूंजी की आवश्यकता होगी हमें। ये देखिए आप अर्जित आय आधार, मतलब इसके दो निकालने के तरीके हैं। आपसे ये नहीं कहा, आपसे ये कहा कि आप तो अंशों का मूल्यांकन कीजिए। अब आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लाभांश आय के आधार पर भी कर सकते हैं और अर्जित आय आधार पर भी कर सकते हैं। अर्जित आय आधार का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब सवाल में आपको नियोजित पूंजी निकालने के लिए हिंट दी हो, मतलब संपत्तियों और दायित्वों की भी जानकारी दी होगी तो ही हम नियोजित पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने नियोजित पूंजी का प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमने पिछले दिनों दो हमारे सेशन ख्याति के मूल्यांकन के हुए, उसमें हमने नियोजित पूंजी की गणना सभी सवालों में किए। और यही नहीं, जब मैंने आपको अंशों का जो फर्स्ट पार्ट जब हमारा हुआ था उस फर्स्ट पार्ट में जब मैंने संपत्ति मूल्यांकन विधि की चर्चा की थी तो संपत्ति मूल्यांकन विधि की चर्चा में जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें पहले ख्याति का मूल्यांकन ही करना था एसपी मेथड के माध्यम से। जब एसपी मेथड की हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमें नियोजित पूंजी की गणना करना होगी, औसत नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी। और जब हम संपत्ति मूल्यांकन विधि से वो जब वो गणना करेंगे तो निश्चित रूप से नियोजित पूंजी मतलब शुद्ध संपत्ति की गणना हमने की होगी। तो वो दोनों चीजें मैंने आपको पहले प्रॉब्लम में उन चीजों को शामिल कर लिया था, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आपके सामने प्रस्तुत की है इसमें हमने नियोजित पूंजी के बजाय लाभांश की दर के आधार पर वो सवाल हल करने की कोशिश की है। अब आप देखिए इसका जो थर्ड मेथड है, इसको हम बोलते हैं उचित मूल्यांकन विधि, फेयर वैल्यूएशन मेथड। देखिए ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब विनियोजक, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि उचित मूल्यांकन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जब हमारा एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसकी इनकम जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया है वहां पर उसे पर शेयर अर्निंग भी क्या हो रही है, और साथ साथ उसकी जो संपत्तियों की स्थिति है मतलब उसकी धन की जो सुरक्षा, धन की सुरक्षा का मतलब है जब संपत्तियों की कीमत मार्केट में अगर बहुत डाउन हो जाए और दायित्व बहुत अधिक हो जाएंगे तो आप मान के चलना कि उसका धन सुरक्षित नहीं होगा। तो जब एक अंसारी यह चाहता है कि उसे आय भी पर्याप्त मात्रा में मिले, अच्छी मात्रा में मिले कंपनी से, और साथ ही साथ जो पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है उसकी सुरक्षा भी साथ में बनी रहे, तो उस दृष्टिकोण से उस समय जिस विधि से अंशों का मूल्यांकन किया जाता है उसे हम बोलते हैं उचित मूल्यांकन विधि, फेयर वैल्यूएशन मेथड। मतलब सीधी सी बात है, इस मेथड में लाभांश की दर के साथ साथ हमें संपत्तियों और दायित्वों की भी जानकारी अगर होगी तो ही हम इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए प्रक्रिया फर्स्ट क्या बोल रही है, प्रक्रिया फर्स्ट आपको बता रही है कि इस मेथड में हमें अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू हमें ज्ञात करना पड़ेगी। और यदि हमारे जो विद्यार्थी, यदि आपने फर्स्ट मेथड के सवाल किए होंगे तो फर्स्ट मेथड हमारा है आंतरिक मूल्यांकन विधि वाला, जिसको हम शुद्ध संपत्ति विधि भी बोलते हैं या अंशों का आंतरिक मूल्य विधि भी कहते हैं। मतलब फर्स्ट मेथड आपका पूरा का पूरा इस पद्धति में काम आएगा जिसकी चर्चा हमने पहले पार्ट में की थी। फिर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा एक बार कि आप देखें कि संपत्ति मूल्यांकन विधि क्या थी। इसमें हमें सभी संपत्तियों को प्लस करना होता है कृत्रिम को छोड़कर,
यदि किसी संपत्ति का नया मूल्य दिया हो तो हमें उस मूल्य का इस्तेमाल करना होगा, और इस मूल्य में से हम बाहरी दायित्वों को, जिसमें लेनदार हो गए, आरक्षित ऋण हो गया, ऋण पत्र हो गए, ऐसे सारे कोष जिस पर बाहरी व्यक्तियों का अधिकार हो, जिस पर अंशधारियों का अधिकार न हो, उसको हम बोलते हैं शुद्ध संपत्ति। और इसमें से भी यदि हमें समतांश का मूल्य ज्ञात करना है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी दी हुई है तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को माइनस कर देंगे तो बचाव आपका हो जाएगा समतांशधारियों के लिए का आंतरिक मूल्य, और यदि हमने दोनों को माइनस नहीं किया है तो दोनों कहलाएगा आपका पूर्वाधिकार और समतांशों का आंतरिक मूल्य। तो इस मेथड के अंतर्गत हमें संपत्तियों और दायित्वों में इस प्रकार से आवश्यक समायोजन करने के बाद हम अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात करेंगे। और फार्मूला भी मैंने आपको पिछले बार बताया था कि शुद्ध संपत्ति मेथड में संपत्तियों के वसूली मूल्य का जो योग होगा उसमें से बाहरी दायित्व को माइनस कर देंगे, और बाहरी दायित्व का माइनस करने के बाद जो हमारे अंश दे रखे हैं अंशों की संख्या का हम भाग लगा देंगे तो ये आपका एक अंश का आंतरिक मूल्य हो जाएगा। अब यदि दोनों प्रकार के अंश दिए, पूर्वाधिकार समता दोनों प्रकार के दिए, दोनों प्रकार के अंशों पर यदि एक समान राशि है, एक समान यदि पेड अप कैपिटल है तो हम एक साथ अंशों का संख्या का भाग लगाकर ज्ञात कर लेंगे, और नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों प्रकार के अंश हैं या एक ही प्रकार के अंश हैं और दोनों में पेड अप कैपिटल यदि अलग अलग दी हुई है तो मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि वहां पर हमें शुद्ध संपत्तियों के मूल्य में टोटल जो पेड अप कैपिटल है उसका हम भाग लगाएंगे तो एक रुपए की वैल्यू आएगी, और उसके बाद फिर हम अंशों के अंकित मूल्य का गुणा करकर एक अंश की कीमत ज्ञात करेंगे। ये सारी चर्चा मैंने पिछले दिनों जब आपका अक्टूबर के थर्ड वीक में जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था तब मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की थी, पर यह चर्चा फिर से रिपीट इसलिए की गई है क्योंकि हम जब थर्ड मेथड की बात करेंगे तो थर्ड मेथड में फिर से एक बार हम उस मेथड का पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो गया। तो सीधी सी बात है, उचित मूल्यांकन विधि के अंतर्गत एक विद्यार्थी को फर्स्ट मेथड अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको अंशों का आंतरिक मूल्य निकालने का तरीका आपको नहीं पता है तो आप इस मेथड के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब सेकंड इसमें अंश का बाजार मूल्य ज्ञात करना। अब बाजार मूल्य ज्ञात करने के भी आपके पास दोनों तरीके हो सकते हैं। यदि आपके पास नियोजित पूंजी निकालना संभव हो तो आप अर्जित आय विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप लाभांश की दर के आधार पर भी एक अंश के बाजार मूल्य की गणना कर सकते हैं। जिस प्रकार की हिंट आपको सवाल में दियो उस प्रकार से हम इसका निराकरण कर सकते हैं। मतलब इस मेथड में आपको पहले मेथड से भी अंश का आंतरिक मूल्य निकालना पड़ेगा और सेकंड मेथड के माध्यम से आपको उसका बाजार मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। और जब दोनों मूल्य आपके ज्ञात हो जाएंगे, जब आपने आंतरिक मूल्य भी ज्ञात कर लिया और बाजार मूल्य भी ज्ञात कर लिया तो दोनों मूल्य को जोड़कर इसे हम दो से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा अंश का उचित मूल्य। मतलब सीधी सी बात है, अंश के उचित मूल्य का मतलब है पहले मेथड से निकाला गया मूल्य प्लस सेकंड मेथड से निकाला गया मूल्य, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दो का भाग लगाएंगे, जो राशि आएगी वो आपका कहलाएगा अंश का उचित मूल्य। अब आप स्वयं ये देखिए, इसमें हमने आंतरिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा है और अंश के बाजार मूल्यों को भी ध्यान रखा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बताया था कि एक विनियोजक यदि अंश खरीदते समय उससे प्राप्त होने वाली आय और अपने धन की सुरक्षा यदि दोनों पर ध्यान देगा तो उसके लिए वो जिस तरीके से अपने अंश का मूल्यांकन करेगा उसे हम उचित मूल्यांकन विधि कहेंगे। मतलब यहाँ पर दोनों चीज प्रयोग होगी, संपत्तियां और दायित्वों का एडजस्टमेंट भी हमें देखना पड़ेगा और हमें अंश का बाजार मूल्य भी देखना पड़ेगा। इसीलिए इस मेथड के अंतर्गत आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करना पड़ेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकालना पड़ेगी और मार्केट वैल्यू भी अंश की निकालना पड़ेगी, और दोनों निकालने के बाद ही हम उचित मूल्य विधि के माध्यम से अंश का मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बड़े संक्षेप में कहूं तो इस मेथड का प्रयोग वो विद्यार्थी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा जिसने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों की अच्छे से तैयारी की। यदि दोनों की तैयारी यदि आपकी प्रॉपर है तो आपको इस मेथड को करने में कोई विशेष कठिनाई का सामना आपको नहीं करना होगा। अब आप देखिए, इसी का एक हम सवाल भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम देखें कि किस प्रकार से हम फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक आपके सामने कुछ डिटेल्स दे रखे हैं, क्योंकि वर्चुअल क्लास की अपनी एक सीमा होती है, अतः बजाय बहुत अधिक बैलेंस शीट बनाने के बड़े संक्षेप में कुछ विवरण दिए। आप इन विवरण को पढ़िए और आप विवरण को पढ़ के आपको लगेगा कि इसमें सब संपत्तियों के बारे में तो जानकारी ही नहीं है, पर हम संपत्ति उसकी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अब बड़ा अच्छा सवाल है ये। इस सवाल को यदि आप नोट करेंगे तो आपके मन से कुछ कंफ्यूजन वो भी आपके दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट लाभ में से कुछ अधिक दे रखे हैं पिछले सवाल की अपेक्षा। देखिए, पूर्वाधिकार पूंजी 90,000, पूर्वाधिकार 6% वाले प्रत्येक 10 रुपए का है।
अब जब प्रत्येक 10 रुपए का है, पेड अप लिखा है आपको पूर्ण दत्त है, इसका मतलब 9 लाख रुपए आपकी होगी पूर्वाधिकार पूंजी, और 90,000 ही संतान से, ये शर्त थोड़ा उसका वो बदल गया, फॉन्ट बदल गया, आप उसको शर शकर का पढ़ें, जहां भी प्रतिशत लिखा है शर शकर का पढ़ें उसको, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए पूर्वाधिकार पेड अप कैपिटल भी आपकी हो गई 9 लाख, क्योंकि 90,000 शेयर हैं, एक 10 रुपए का 9 लाख आपके हो गए, और समतांश समतांश भी आपके 90,000 हैं, प्रत्येक अंश 10 रुपए का है, और ये भी पूरा पेड अप है, तो 9 लाख रुपए की आपकी हो गई समतांश पूंजी। आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे 70,000 रुपए के, संचय और अधिक के आपको दिए 70,000 के, और जो आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो बाहरी दायित्व है, वो बाहरी दायित्व आपको दिए 1,50,000 के। देखिए ये हिंस दे रखी है आपको केवल कि इतनी पेड अप कैपिटल है, ये संचय और अधिक किए, और ये आपका बाह्य दायित्व है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि हमारा भी समय हमारे पास है, मैं आप ही को बता दूं बड़े संक्षेप में, ये सारे वो चीजें दायित्व पक्ष में हम ये चीजें मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पूंजी भी दायित्व पक्ष में होती है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपके लाइबिलिटीज पक्ष में होते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं, और हमारी लाइबिलिटीज भी, हमारी जो एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी है, वो लाइबिलिटीज भी हम कहां लिखते हैं, दायित्व पक्ष और दिखाते हैं। ये तीन हिंट्स दे रखी है, अब आप समझ गए होंगे ये तीनों हिंट्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज पक्ष में होगी। अब आप आगे देखिए, कंपनी प्रतिवर्ष कर के पश्चात जो उसका औसतन लाभ है वो 1,70,000, मतलब 1,70,000 रुपए प्रतिवर्ष कंपनी लाभ अर्जित करती है आफ्टर टैक्स वगैरह घटाने के बाद। अब इसके बाद आपको दिखा है कि कंपनी प्रतिवर्ष 20,000 रुपए संचय कोष में हस्तांतरित करती है। संचय कोष में आपको ट्रांसफर कितना करना है, 20,000 रुपए आपको संचय कोष में ट्रांसफर करना है। आगे आपने देखा है इसी प्रकार की कंपनी द्वारा समता अंशों के पूर्णदत्त के बाजार मूल्य पर जो सामान्य जो लाभ की दर है, वो सामान्य आपकी लाभ की दर दी हुई है, 8% आपको सामान्य लाभ की दर दी हुई है। और एक हिंट आपको लास्ट में और दी हुई है कि जो कुल संपत्ति है बैलेंस शीट में, जो आपको कुल संपत्ति एक कंपनी की होगी, उसमें 20,000 की आपकी कृत्रिम संपत्तियां भी शामिल हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट है ये कि आपको समता अंश का उचित मूल्य निकालना है, केवल समता अंश के उचित मूल्य की बात कही गई है, पूर्वाधिकार अंश की कीमत आपको नहीं निकालना है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब मुझे उचित मूल्य की बात करूंगा तो मुझे समता अंशों पर उपलब्ध लाभ की गणना भी करना पड़ेगी, और चूंकि उचित मूल्य विधि है, इसका मतलब मुझे अंशों का इंट्रेंसिक वैल्यू, समता अंशों का आंतरिक मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब आप फिर से जाइए बैलेंस शीट की ओर, विवरण की ओर जाइए। अब आप देखिए इसमें कहीं भी संपत्ति के बारे में डिटेल नहीं, कहीं भी आप देखिए कोई संपत्ति के बारे में डिटेल नहीं है, केवल एक डिटेल आपको दे रखी, हिंट दे रखी है कि जो टोटल संपत्ति होगी उसमें 20,000 की आपकी कतरी में, इसका मतलब है हमें संपत्तियां भी ज्ञात करना पड़ेगी। अब आपने देखा होगा बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष का योग बराबर होता है। अब आप देखिए दायित्व पक्ष के बारे में आपको 9 लाख की दी पूर्वाधिकार पूंजी, 9 लाख की आपकी होगी समतांश पूंजी, टोटल आपका होगी 18 लाख, 18 लाख आपका हो गया, 70,000 रुपए आपका संचय और आधिक्य दे रखा है, और 1,50,000 रुपए आपका बाह्य दायित्व दिया है। यदि हम तीनों चीजों को प्लस कर लेंगे तो निश्चित रूप से इतनी ही आपकी क्या होगी, संपत्तियां होंगी। अब आप आगे देखिए हिंट में, सवाल में देखिए, ये देखिए आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखी 9 लाख, 90,000 शेयर है, 1 है 10 रुपए का, 9 लाख आपकी होगी पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समतांश पूंजी भी आपकी यही शेयर है 90,000, 9 लाख के आपके हो गए समतांश पूंजी, रिजर्व एंड सरप्लस आपको बता रखा है सवाल में 70,000 रुपए, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपको बता रही है 1,50,000 रुपए। देखिए इन चारों को मैंने प्लस किया तो चारों को प्लस करने पे जो आपका योग आया वो हो गया आपके ग्रॉस असेट्स 20,20,000। इसका मतलब स्पष्ट है कि संपत्ति कंपनी की बैलेंस शीट का योग 20,20,000 रुपए होगा। ये 20,20,000 आपको सवाल में दिया नहीं है, आपको केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मात्र, हमने उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया कि इस कंपनी की टोटल संपत्ति कितनी है, तो टोटल संपत्ति आपकी कंपनी की हो गई 20,20,000 रुपए। ये सवाल में कहीं लिखा नहीं कि आप कंपनी की संपत्ति की गणना कीजिए, हमें इसलिए निकालना पड़ेगी क्योंकि हम इंट्रेंसिक वैल्यू जब कंपनी की निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी संपत्तियां कृत्रिम को छोड़कर उन संपत्तियों में से दायित्वों को, बाहरी दायित्वों को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आएगा समता अंशों का आंतरिक मूल्य। तो हम उस तरीके से ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने संपत्ति को गणना की। तो देखिए अब आपकी संपत्ति हो गई 20,20,000। अब आपको एक हिंट दी हुई थी कि टोटल संपत्ति में मात्र 20,000 की ऐसी संपत्ति जो कृत्रिम है, इसका मतलब हम अंशों का आंतरिक मूल्य निकालते समय कृत्रिम संपत्तियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो सीधी बात है, हमने 20,20,000 की जो ग्रास असेट्स थी इसमें से हमने कृत्रिम संपत्ति को माइनस कर दिया, तो वास्तव में जो संपत्ति हमें इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए प्रयोग करना है वो आपकी 20 लाख है।
अब इस 20 लाख में से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा अंशों का आंतरिक मूल्य निकालने के लिए। और आप देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपको 1,50,000 बता भी रखी है और उसका इस्तेमाल हमने अभी संपत्ति की गणना के लिए भी लिया था, 1,50,000 हमने माइनस कर दिया तो 18,50,000 आपकी होगी नेट असेट्स शुद्ध संपत्ति या टोटल अंशों का कुल आंतरिक मूल्य 18,50,000। अभी 18,50,000 जो है ये दोनों प्रकार के अंशों के लिए उपलब्ध शुद्ध संपत्ति है, समता के लिए भी और पूर्वाधिकार के लिए। अब आपको यहाँ पर सवाल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको केवल समता अंश की कीमत ज्ञात करना है, तो देखिए अगली स्टेप में हमने क्या किया, 18,50,000 में से पूर्वाधिकार अंश पूंजी को माइनस कर दिया तो शेष जो 9,50,000 की संपत्ति बची है नेट असेट्स ये किसके लिए उपलब्ध हो गई, आपकी इक्विटी के लिए। तो समता अंशधारी के लिए शुद्ध संपत्ति आपकी हो गई 9,50,000। अब आप आगे देखिए हमें सबसे पहले अंशों का आंतरिक मूल्य निकालना है, ये आपकी नेट असेट्स आ गई समतांश के लिए, वो समतांश टोटल है कितने सवाल में आप देखिए, टोटल समतांश आपको दे रखे 90,000। हमने क्या किया समतांशधारियों के लिए उपलब्ध शुद्ध संपत्ति में 90,000 का भाग लगा दिया तो एक अंश की इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी हो गई 10.56। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्यों करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उचित मूल्यांकन विधि में सबसे पहले हमें यही निकालना पड़ता है, हम सबसे पहले अंश का आंतरिक मूल्य निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट मेथड का प्रयोग करते हुए अंश के आंतरिक मूल्य की गणना कर ली, ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा अंश का बाजार मूल्य। अब देखिए हम बाजार मूल्य की ओर जाते हैं, अब बाजार मूल्य निकालने का तरीका वही जो हमने अभी हमने पिछले मेथड में पढ़ा है। देखिए टोटल एवरेज आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, कुल प्रॉफिट आपको एवरेज बता रखा है 1,70,000। अब जब हम लाभांश की दर ज्ञात करते हैं तो वहां पर संपत्तियों का कोई रोल नहीं होता, वहां पर हमें उपलब्ध लाभ निकालना पड़ेगा किसके लिए, समतांश की कीमत की गणना करना है, इसलिए समतांश के लिए उपलब्ध लाभ की गणना हमें करना पड़ेगी। तो आपको टैक्स का समायोजन करने के बाद एवरेज प्रॉफिट कंपनी का 1,70,000 दिया है, पर एक हिंस आपको दी हुई है कि कंपनी प्रतिवर्ष 20,000 रुपए संचय में ट्रांसफर करेगी। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, 20,000 रुपए संचय में ट्रांसफर कर दिया 1,70,000 में से, 1,50,000 आपका हो गया दोनों प्रकार के अंशों के लिए उपलब्ध लाभ, क्योंकि सवाल में आप देखिए पूर्वाधिकार अंश भी है और समतांश भी। अब ये जब दोनों प्रकार के लिए उपलब्ध लाभ हो गया और आपको गणना केवल करना है समतांश की, समतांश का उचित मूल्य आपको निकालना है, तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो डिविडेंड हमें देना है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब फिर मैं सवाल पे जा रहा हूँ, देखिए पूर्वाधिकार अंश पूंजी कितनी है, 90,000 पूर्वाधिकार अंश है, एक अंश आपका 10 रुपए का पेडअप है, टोटल पेडअप कैपिटल आपकी हो गई पूर्वाधिकार 9,00,000। 9,00,000 में आपको कितने परसेंट देना है, 6% पूर्वाधिकार अंश है, तो हम क्या करेंगे 9,00,000 का हमने 6% 54,000 रुपए पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश अलग कर दिया, क्योंकि ये इस पे अधिकार होगा पूर्वाधिकार। टोटल प्रॉफिट आपका 1,50,000 है, इस पे दोनों का अधिकार है, 54,000 रुपए हमने माइनस कर दिया तो 96,000 जो आपका लाभ हो जाएगा ये कहलाएगा समता अंशधारी के लिए उपलब्ध लाभ। अब अगर आप इसी सवाल की पिछले सवाल से तुलना करें जो अभी मैंने कुछ समय पहले आपने किया था, अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज आया था, उस सवाल में आपको लिखा था कि पूर्वाधिकार अंशधारी को निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद 3% एक्सेस में भी मिलेगा, मतलब जो हमने 5% उसको दे दिया 10% समता को दे दिया उसके बाद भी अगर बचेगा तो 3% हम पूर्वाधिकार को देंगे। इस सवाल में इस प्रकार की कोई हिंट आपको नहीं दी हुई है, यहाँ पर कोई हिंट नहीं है देख लीजिए, जबकि पिछले सवाल में अलग हिंट थी। तो आप देखिए सवाल करते समय आप देखिए कि वहां हमने ऐसा इसलिए किया था कि सवाल में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि सामान्य लाभ देने के बाद भी एक्सेस में लाभ देना है, यहाँ पर इस टाइप की कोई चर्चा सवाल में नहीं की, इसलिए यही आपका हो गया समता अंशों के लिए उपलब्ध लाभ हो गया आपका 96,096,000 रुपए। अब चूंकि हमें उसी की गणना करना है, समतांश की गणना करना है, इसलिए हमने समतांश का लाभ निकाल लिया 96,000। अब आगे की स्टेप आप देखिए, हमने लाभांश की दर निकाल ली 96,000 इंटू 100 अपान, अभी आपने पीछे सवाल में देखा था कुल चुकता समतांश पूंजी, कुल चुकता समतांश पूंजी आपको दे रखी है 9,00,000 रुपए की। देखिए आप 9,00,000 रुपए कहाँ दिए, ये देखिए 90,000 समतांश है, प्रत्येक 10 रुपए का है, 9,00,000 रुपए आपकी हो जाएगी समतांश पूंजी। देखिए हमने समतांश पूंजी से भाग लगा दिया तो एक अंश पर आपकी अर्जित आय की दर आ गई 10.67। अब 10.67 आने के बाद हमें निकालना मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है अर्जित आय की दर इंटू एक समतांश पर चुकता राशि अपान आय की सामान्य दर जो हमने पीछे देखी। तो देखिए एक्सेप्टेड रेट आपकी होगी 10.67,
एक समतांश पर चुकता राशि कितनी है? 10 रुपीज है। ये स्वयं आप देखिए कहां पर दिया है सवाल में, ये समतांश 90,000, एक समतांश पर पेडअप है आपका 10 रुपए, और आय की सामान्य दर आपको निश्चित दर की समतांश पर 8%। तो देखिए हमने ये जाके ये निकाल लिया, कैलकुलेशन कर लिया, तो आपकी मार्केट वैल्यू आ गई 13.34। मतलब हमने इंट्रेंसिक वैल्यू भी निकाल ली समतांश की और समतांश की मार्केट वैल्यू निकाल ली 10.34। इंट्रेंसिक वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी आप देखिए, इसके पहले हमने निकाली इंट्रेंसिक वैल्यू 10.56 थी। 10.56 हो गई आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और मार्केट वैल्यू आपकी हो गई अब 13.34। अब हमें क्या करना है, फेयर वैल्यूएशन मेथड से वैल्यूएशन करना है। तो आपको क्या करना है, इंट्रेंसिक वैल्यू जो आपने निकाली एक शेयर की समतांश की प्लस एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, उन दोनों को हमने प्लस कर लिया और दोनों को प्लस करके हमने दो शेयर से भाग लगा दिया, तो आपकी 11.95 आपका हो गया एक अंश का उचित मूल्य। ये आपका थर्ड मेथड है। इस मेथड को मैंने आपको बताया था, जब आप दोनों पद्धति को अच्छे से समझ जाएंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू को भी और सेकंड वाला जो मेथड उसको भी आप समझ लेंगे, डिविडेंड मेथड यील्ड मेथड जो हमारा है उसको यदि आपने समझ लिया, तो आपको केवल एक स्टेप ही आगे करना है, फेयर वैल्यू में दोनों को प्लस करके, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को प्लस करके दो से भाग लगाना है, ये आपका फेयर वैल्यूएशन हो गया। तो देखिए इस वाले मेथड में हमने क्या किया, ये जो इंट्रेंसिक वैल्यू है ये आपकी निकली है संपत्ति और दायित्व के आधार पर, और जो मार्केट वैल्यू निकली है ये निकली है आपकी लाभांश के आधार पर। तो जब एक शेयर होल्डर ये चाहता है कि वो दोनों तरीके से अपने अंश का मूल्यांकन में दोनों चीजों का योगदान उसमें रहे, मतलब उसकी अर्निंग रेट का भी उसमें हिस्सा रहे और वो कंपनी में संपत्ति और दायित्व की स्थिति क्या है, मतलब जिस कंपनी में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी से उसे वापस कितना मिल सकता है, मतलब उन चीजों को भी यदि ध्यान रखे तो वहां पर वो फेयर वैल्यूएशन मेथड के माध्यम से ही अंश का मूल्यांकन करना चाहेगा। और इस पद्धति में आपका एक अंश का जो वैल्यू हो गई 11.95, जबकि देखिए फेस वैल्यू 10 रुपीज है, अंकित मूल्य 10 रुपए, पर आज फेयर वैल्यूएशन मेथड के आधार पर उस अंश की कीमत हो जाएगी 11.95। तो इस प्रकार से हम इस मेथड के माध्यम से, फेयर वैल्यूएशन मेथड के माध्यम से भी अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे इसी में, ये जो जितना भी हमने रेफरेंस लिया है, ये मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जहाँ से HM शुक्ल और KL गुप्ता की बुक से भी कुछ कंसल्ट किया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है मेहता और ब्रह्मभट्ट इससे भी कंसल्ट किया है, और इसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि आप किस प्रकार से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये देखिए अब आप, ये तीनों मेथड आपके कंप्लीट हुए, हम तीनों मेथड में से जो भी सवाल में हिंट दी हो उसके हिसाब से हम अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको ये चीज अवश्य समझना है कि अंशों का मूल्यांकन का टॉपिक यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको ख्याति का मूल्यांकन का टॉपिक भी अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि यदि अंशों का मूल्यांकन करने के पहले यदि आपसे ख्याति के मूल्यांकन की बात कही गई हो तो आपको ख्याति का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। और जब मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जब फर्स्ट पार्ट की चर्चा जब आपसे मैंने की थी, तो अंशों का मूल्यांकन करने के साथ साथ हमने SP मेथड के माध्यम से ख्याति का मूल्यांकन भी किया था। तो जब कभी भी आप क्लास में आए तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि पिछली बार जब हमारी क्लास हुई थी वर्चुअल क्लास, उसमें किन किन चीजों की चर्चा हुई थी, यदि वो चीज यदि आपके पास यदि उपलब्ध होगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने कोशिश की है कि इन 3 या 4 सवालों के माध्यम से अधिकतम क्या क्या चीजें हो सकती है इस चैप्टर में, किस प्रकार से हम अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उन सारी चीजों को बताने की कोशिश की है। अब आपका यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आपका आमंत्रित है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं दोनों प्रकार तीनों प्रकार के मेथड के माध्यम से। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, या अगर आपके कोई डाउट नहीं हो तो मेरे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें, जैसी स्थिति हो आपकी आप पूछिए पहले प्रश्न यदि आपका कोई प्रश्न हो तो, और नहीं तो आपने आज जो कुछ देखा है उससे हम किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, 2-3 हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं आज के इन मेथड के माध्यम से भी। तो अगर आप ठीक तरीके से इन चीजों को आपने समझा होगा तो आप स्वयं निकाल सकते हैं कि कब हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे और किस समय किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव उस मेथड के माध्यम से हमारा बन सकता है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा। टिमरनी कॉलेज मुझे काफी स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, हरदा टिमरनी, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा और नहीं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। टिमरनी हरदा, हरदा कॉलेज, टिमरनी हरदा कॉलेज से मेरा एक प्रश्न है,
यदि भाई दीवे आपको जो सवाल आया है परीक्षा में, उस सवाल में आपको ये लिखा है कि आप अंशों का मूल्यांकन उचित विधि के आधार पर कीजिए, सवाल में दी गई हिंट्स के आधार पर, और आपको सवाल में संपत्तियों और दायित्वों के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिया है, तो उस परिस्थिति में आप अंशों के मूल्यांकन की किस विधि का प्रयोग करेंगे? फिर से मेरा एक बार प्रश्न सुनिएगा, आपको लाभ के बारे में सूचना दी हुई है, संपत्तियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, और आपको ये लिखा है कि उपरोक्त तो सूचनाओं के आधार पर आप अंशों का मूल्यांकन कीजिए, आप किस पद्धति का प्रयोग करेंगे? टिमरनी हरदा कॉलेज, संपत्ति दायित्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लाभ के बारे में निर्देश है, किस मेथड का प्रयोग आप करेंगे? टिमरनी हरदा, चलिए और कोई कॉलेज, खरगोन कॉलेज, बड़वा, बड़वा कॉलेज से, बड़वा कॉलेज में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बताएंगे आप किस मेथड का प्रयोग आप करेंगे? और कोई कॉलेज जिसने प्रश्न को सुना हो, कोई विद्यार्थी बताए? नहीं, घबराइए नहीं, आप प्रश्न का जवाब फिर, हाँ बोलिए सर, उचित मूल्य में, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, छिंदवाड़ा से बताइए, उचित मूल्य पे सर, उचित मूल्य से कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, संपत्तियों के बारे में कोई हिंट से ही नहीं दिए आपको, आप उचित मूल्य पद्धति का प्रयोग कैसे करेंगे, समझाइए। अभी आपको मैंने बताया था, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, उचित मूल्य के लिए हमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी निकालना पड़ती है शेयर की, और इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए जब तक संपत्ति और दायित्व के डिटेल्स नहीं दिए होंगे तब तक आप इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब आप इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं निकाल सकते तो फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? आप मुझे बताइए, जो हमने 10.56 जो निकाला है अभी आपका, ये कहां से निकाला है? पीछे देखिए आप सवाल में, इसी सवाल में पीछे देखिए, 10.56 कैसे निकाला हमने? संपत्ति और दायित्व के डिटेल्स के आधार पर। तो जब तक संपत्ति और दायित्व के डिटेल्स नहीं दिए होंगे तब तक हम इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे शेयर की? और जब संपत्ति दायित्व की डिटेल्स नहीं दिए तो हम लाभांश आय विधि का प्रयोग करके ही अंशों का मूल्यांकन करेंगे। कई बार होता है क्या है, सवाल परीक्षा में आ गया है, सोचने में हमारे 10 मिनट लग गए कि किस मेथड का प्रयोग करें। अब किस मेथड का प्रयोग करना है आपको लिखा है, उचित कोई भी आप हिंट्स के हिसाब से बताइए, तो आप सवाल को अच्छे से पढ़िए कि किस मेथड के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर आप निर्णय कीजिए। जब आपको दोनों प्रकार की चीजें दी हुई हो, आपको संपत्ति दायित्व के डिटेल्स भी दे रखे हैं, लाभांश के बारे में भी डिटेल्स दे रखे हैं, तो आप उचित मूल्य पद्धति का प्रयोग भी कर सकते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू का प्रयोग भी कर सकते हैं, या डिविडेंड यील्ड मेथड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। पर दोनों में से अगर एक चीज दी हुई है तो डेफिनेटली हम फर्स्ट या सेकंड में से हम किसी एक मेथड का इस्तेमाल ही कर पाएंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपका होगा कि बताइए, अगर संपत्ति दायित्व की स्थिति नहीं दी तो आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो आपको आना चाहिए उस प्रश्न का उत्तर कि हम इस मेथड के माध्यम से इस चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि एक इन्वेस्टर यह चाहता है कि जो जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया है वो पैसा भी उसका सुरक्षित रहे और उसे निर्धारित दर से लाभांश भी प्राप्त हो, दोनों चीज चाहता हो, लाभांश भी उसको पर्याप्त मात्रा में मिले और उसका पैसा भी सुरक्षित रहे, इस विचार को सोचने वाला इन्वेस्टर या यह विचार रखने वाला इन्वेस्टर किस प्रकार के मेथड से अंशों का मूल्यांकन करना चाहेगा? जो दोनों चीज चाहता है कि लाभांश भी उसे पर्याप्त मात्रा में मिले और उसका जो पैसा वो भी सुरक्षित रहे, तो किस मेथड का इस्तेमाल करेगा अंशों का मूल्यांकन करने? मैंने 2 या 3 बार रिपीट किया था इन सारी चीजों को, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना हो तो, नहीं तो मैं आपको फिर से उस स्लाइड पे ले जाऊंगा, हम फिर से स्क्रीन पर उस चीज को देखेंगे कहां मैंने चीज बताई थी। आप दोनों चीज चाहता हो, बताइए, कोई बताएगा इसका उत्तर? यस, खरगोन कॉलेज से, मुलताई, बैतूल, छात्राएं बैठी हुई हैं, फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीज चाहता हो, पैसा भी सुरक्षित रहे और लाभांश भी उसे मिले, इस टाइप का इन्वेस्टर किस मेथड को प्रेफरेंस देगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए?
देखिए हम केवल ये पढ़ लें कि साहब ये इस मूल्यांक इस विधि से ये मूल्यांकन हो गया, इससे अंश का मूल्यांकन हो गया, इससे अंश का मूल्यांकन हो गया। अंश का मूल्यांकन तो सभी विधि से हो जाएगा, तीनों विधि से। परंतु अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि बताइए इन्वेस्टर को उस कंडीशन में किस मूल्य से उसको करना चाहिए, आपसे पूछ लिया उसने, एक इन्वेस्टर होने के नाते वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए मैं दोनों चीज चाहता हूँ, मुझे किस मेथड का प्रयोग करते हुए अंश का मूल्यांकन करना चाहिए, क्या जवाब होगा आपका? नहीं, चलिए स्क्रीन पे देखिए आप फिर से एक बार। यस, ये मैंने आपको काफी समय से इसको समझाया था। जब एक इन्वेस्टर चाहता है कि उसे निर्धारित आय भी प्राप्त हो और उसका धन भी सेव रहे, सुरक्षित रहे, तो इस कंडीशन में वो उचित मूल्यांकन विधि का प्रयोग करेगा। क्यों? वो लाभांश भी चाहता है और अपने पैसे की सुरक्षा भी चाहता है, मतलब संपत्ति दायित्व का एनालिसिस भी करना चाहता है वो, और साथ साथ लाभांश की दर की तुलना भी करना चाहता है। जब वो दोनों चीजें एक साथ चाहता है तो उस कंडीशन में उसे फेयर वैल्यूएशन मेथड के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन करने में उसका इंटरेस्ट होगा। ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। तो आप इस टाइप देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप सारी चीजों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप स्वयं भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं कि इस कंडीशन में कौन सा मूल्य ज्यादा अच्छा होगा या किस पद्धति से मूल्यांकन करना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे।